so students let's continue the chapter reading the neighboring abhi is of same age as our abhi she is frightening woman indeed when she is annoyed she roars like a lioness she has her own style of रिलइंग all matters ranging from politics to domestic टेल्स तो जो उनके नेबर में अभी रहती थी मतलब बूढ़ी औरत जो है जिनको दादी माँ वो बोलते हैं ठीक है तो वो रहती थी वो भी सेम वैसी थी जैसे कि उनकी दादी माँ थी ठीक है तो वो क्या थी बहुत ही फ्राइटनिंग थी ठीक है फ्राइटनिंग मीन्स डरावनी भयानक थी और जो हाँ जब भी वो गुस्सा हो जाती थी अनोयट ठीक है जब भी वो क्रोधित हो जाती थी तो वो ऐसा लगता था कि भाड़ रही है किसकी तरह लाइनस की तरह ठीक है शेरनी की तरह तो शी हैज़ हर ओन स्टाइल ऑफ रिलाइंग ऑल मैटर्स तो उनका अपना एक स्टाइल था अपनी जो है वो मत रखती थी कुछ भी बात होती थी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग या डोमेस्टिक टेल्स कुछ भी कुछ भी कहानी तो उनका अपना ही एक राय उनकी होती थी अ फ्यू मंथ्स आई गो वन आई वॉस लीनिंग ऑन द स्टेयर केस रीडिंग अ बुक आई हेयर टू अभी स्टेलिंग ईच अदर देयर स्टोरीज द सेम एवरी डे टॉक्स विच माई एयर्स वर फेमिलियर तो वो कहता है कि जब भी मैं एक दिन स्टेयर केस पर बैठा हुआ था ठीक है तो वहाँ पे मैं जो है लीन कर रहा था लीन मीन्स सहारा लेकर बैठना या झुक कर बैठना ठीक है तो ऐसे बैठा हुआ हूँ स्टेर केस पे तो मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मैंने सुना दोनों अभी जो हैं एक दूसरे से बातें कर रही हैं कहानियाँ बता रही हैं एक दूसरे को जैसे कि रोज़ाना वो बातें करती हैं आपस में वैसे ही बातें कर रही थी और मुझे पता था कि वो रोज़ वैसी ही बातें करती हैं मैं फेमिलर था मुझे सब पता था कि वो इसी तरह की बातें रोज़ करती हैं मैं परिचित था फेमिलर मतलब परिचित होना श्योरली इट्स एन ओमेन सिग्नलिंग दैट द डे ऑफ जजमेंट इज नियर तो वो आपस में क्या बातें कर रही होती हैं कि वो कहती हैं कि ये तो एक ओमेन है ठीक है ओमेन मीन्स एक जो बोलते हैं शकुन है ठीक है तो ये ऐसा है कि ये दिखा रहा है ठीक है बैड एक चीज़ है ओमेन मतलब बैड कुछ भी तो वो दिखा रहा है कि जजमेंट जो है वो नियर है मतलब कि जो भगवान का फैसला आने वाला है और वो बहुत ही क्या होगा दे मस्ट हैव बीन रेफरिंग टू अ फेटल एक्सीडेंट और टू स्टीमलेस डेथ ऑफ टू मैन तो वो दोनों क्या कर रही थी किसके बारे में बात कर रही थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक बहुत ही ज्यादा घातक एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही थी जो जिसमें दो आदमियों की क्या हो गई थी डेथ हो गई थी ज्यूरिंग द कन्वर्सेशन दोर अभी अबाउट रुकसाना तो ज्यूरिंग द कन्वर्सेशन क्या हुआ कि जो दूसरी अभी हैं वो अचानक से रुखसाना के बारे में पूछती हैं ठीक है मतलब कि जब वो एक्सीडेंट के बारे में बात कर रही होती हैं तो उस टाइम पे फिर जो है वो क्या होता है उनको याद किसकी आती है रुखसाना की आती है वो पूछती हैं कि भाई रुखसाना कैसी है तो अभिलेख कुफॉर्म्ड हर दैट दे आर वर सीवे फ्लड्स इन श्रीनगर आई क्लोज द बुक आई एम रीडिंग इन डिस्मे एंड अवेटेड अभिलेस रिएक्शन ठीक है तो वो कहता है जैसे वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि बहुत एक्सीडेंट हो गया तो जब बीच में रुखसाना की बात आती है तो फिर से अभिले ले जो है वो कोई जवाब नहीं दे पाती है ठीक है और जब उसको ये पता चलता है कि श्रीनगर में फ्लड्स आए हैं तो इसने में अब तो जो लेखक है उसको पता होता है कि अब कोई ना कोई सवाल मुझे फिर से पूछा जाएगा तो वो कहता है कि मैं जल्दी से फटाफट पत से मैं अपनी जो बुक मैं पढ़ रहा था मैंने फटाफट से उसको क्या कर लिया बंद कर लिया ठीक है डिस मतलब निराशा में मैंने उसको बंद कर दिया मुझे पता था कि कोई ना कोई रिएक्शन जो है अभिले का आएगा ला स्क्रीम्ड अभिले फ्लड्स वे डिड यू हेयर दिस न्यूज हजारा अब वो फिर से जो है हाँ चिल्लाने लगती है क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि वो कोई भी बात करने से पहले न्यूज के बारे में बात करने से पहले जो है हाँ अभिले के सामने वो ऐसी बातें नहीं करते थे तो अब उसको पता था कि अगर ये बात निकल चुकी है तो अब कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हाँ मुझे वो पूछेंगे तो इतने में फिर से जो है हाँ वो अभिले चिल्लाती कि फ्लड्स कैसे आ गए ये क्या हो गया इस तरह से हे hey भगवान ये कैसे हुआ ठीक है इट वॉज ऑन द रेलडी द नेक्स्ट और अभी ऑलवेज रेफर टू द रेडियो एस रेलडी तो अब जो हाँ जो नेक्स्ट डे जो वो हाँ उनके नेबर में जो अभी रहती है वो रेलडी किसको बोलती है रेडियो को ठीक है तो वो बोलते हैं कि रेलडी पे जो है वो न्यूज आई थी तो मैंने न्यूज सुनी थी वल्ला नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस डिडेंट बसी टेल यू अभिले साइड यू डिडेंट नो हाउ माई सन्स आर तो अब जो है वो एक दूसरे से बातें करती हैं कि ये कैसे कब हुआ मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं और बसीर वो कहती है कि बशीर ने भी तुम्हें नहीं बताया तो अभी ले बोलती है हाँ तुम, तुम्हें पता ही है मेरे बच्चों का वो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स शी सेट आई विल गो डाउन हिजारा माई हार्ट इज थम्पिंग लाउडली अब वो बोलती हैं कि मेरा दिल जो है जोर जोर से धड़ रखने लगा है आई हेयर द इको ऑफर फूड स्टेप्स तो वो कहता है कि अब मुझे उसकी फूड uh, स्टेप्स की आवाज़ आने की दादी माँ की कि वो नीचे आ रही हैं नाउ कैलोमी हैज बी फॉलोन आई थाट एंड स्पेट डाउन लीपिंग एक्रॉस द स्टेकेस तो वो कहता है कि मैं सोचता हूँ और स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे जो है फटाफट श्लांग मारकर मैं स्टेयर केस से सीढ़ियों से उतर जाता हूँ ठीक है the echo of स्वीक फूड स्टेप्स कुड soon be ऑन दैट पार्ट ऑफ द स्टेयर केस वेर आई had बीन रीडिंग फ्यू मोमेंट्स एगो तो अब उनकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच जाती है उनके पाँव की ठीक है वीक स्टेप्स बहुत ही धीरे धीरे वो आ रही हैं सीढ़ियाँ उतर के तो उनकी आवाज़ जो है वहाँ तक पहुँच जाती है जिस सीढ़ियों पर मैं बैठा था बुक रीडिंग करने के लिए एज सुन एज शी केम डाउन शी at एटस तो जैसे ही वो नीचे आती हैं और हमारे पर ऐसे क्या करती हैं बौछार कर देती हैं इस तरह से स्टॉम्ड मतलब कि वो जो है हमारे पर एकदम से टूट के पड़ जाती हैं बरस पड़ती हैं ठीक है तो ऐसे पड़ जाती हैं क्या बोलती हैं आई नॉट से नॉट टू सेंड रुखसाना टू श्रीनगर फिर से ये बोलती हैं क्या मैंने नहीं कहा था कि रुखसाना को श्रीनगर में नहीं भेजो बट नो वन पेड हीट तो वो कहती है कि लेकिन फिर भी मेरी बातों पे किसी ने कोई भी परवाह नहीं की किसी ने भी ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पे ठीक है तो अब क्या होता है व्हाट्स द मैटर आस्क्ड कागा तो वो कहता है हाँ, कागा बोलते हैं कि क्या हो गया क्या बात होगी तो वो बोलती है देर अ फ्लड इन श्रीनगर फ्लड्स अभिले वेव्ड हैंड्स इन एजिटेशन तो क्या होता है वो कहती हैं कि यहाँ श्रीनगर में फ्लड्स आ गए हुए हैं ठीक है तो वो अपने हाथ ऐसे हिलाने लगती हैं ऊपर करके हिलाने लगती हैं हाथ की जो है श्रीनगर में फ्लड्स आ गए हैं तो एजिटेशन में अपने हाथ हिलाती हैं कि ऐसे वो एजिटेट कर रही हैं उत्तेजना भरे हाथों से ऐसे हिला रही हैं अपने हाथ की वहाँ बहुत परेशान हैं कि फ्लड्स वहाँ पे आ गए हैं सो वॉट कागा वॉज इरीटेटेड इट्स अ बिग सिटी द फ्लड्स केम स्टोम्स केम फायर ब्लेस तो वो बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं उनके रोज़ के इस ड्रामे से तो वो बोलते हैं कि तो क्या हो गया वो एक बड़ी सिटी है वहाँ पे फ्लड्स भी आते हैं वहाँ पर जो वहाँ तूफान भी आता है वहाँ पे आग भी लगती है आग की लपटें भी उठती हैं तो क्या हो गया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इनफ इनफ आई हर्ड इनफ शी प्लेस बोथ हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स हर आइस ब्रिम्ड विथ टेयर्स तो अब वो बोलती हाँ कि अब मैंने बहुत सुन लिया बहुत तुम्हारी बातें मैंने सुन ली बहुत हो चुका अब मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है और कान पे क्या रख देती है हाथ रख देती है आपने फॉर सेवरल डेज अभिले डाउट डिड नॉट एबेड एंड शी बिकेम वेरी क्वाइट तो बहुत दिनों तक अभिले का जो मूड है वो ठीक नहीं होता है वो बहुत दिन तक क्या रहती है बहुत ही सैड रहती है ठीक है शी डिसाइडेड टू कंपनी कागा एंड मी ऑन द ट्रिप टू श्रीनगर अब वो डिसाइड करती है कि कागा और जो मुझे वो कंपनी देंगी मतलब हमारे साथ वो श्रीनगर चलेंगी ऑन द वे शी वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल ठीक है वो रास्ते में वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई वॉमिटिंग एंड डिजीनेस वी स्पेंड द नाइट इन कारगिल एंड रीच श्रीनगर द नेक्स्ट डे हमने कारगिल में पूरी रात बिताई और श्रीनगर नेक्स्ट डे हम पहुंचे कागा सेट अभी यू वर वरिड फॉर रुखसाना सी हाउ हेल एंड हॉट शी लुक्स हर फेस इज फेयर एंड हर चीक्स हैव टर्न रेड अब कागा बोलते हैं हाँ अभी आप बहुत ही वरी कर रही थी रुखसाना के लिए बहुत चिंतित थी देखो रुखसाना तो बहुत अच्छी है यहाँ पे देखो कितनी खुश है और देखो उसके चीक्स रेड हो गए हैं कितनी अच्छी है ये ठीक है और ये बहुत ही खुश है तो अभिले क्लंग टू रुखसाना एंड वेफ्ट लॉट तो, तो अभिले जो है वो रुखसाना को क्या करती है क्लंग कर लेती है ठीक है क्लंग मीन्स जो है चिपक गई उसको वैसे बिल्कुल ही चिपक गई उसको गले लगा लिया उन्होंने आफ्टर रेस्टिंग फॉर टू डेज़ रुखसाना her for फॉर टूर अराउंड द श्रीनगर दो दिन रेस्ट के बाद रुखसाना ने श्रीनगर का टूर लगाने के लिए अभी को लेकर गई अभी लोग अ बिग सिटी एंड ब्यूटिफुल सिटी श्रीनगर इज़ दिस इज़ डल लेक दिस इज़ Nishat बाग These आर द शालीमार गार्डन नेहरू पार्क चार चिनार ठीक है तो इन जगह पर वो उसको घुमा के लेकर आई उसको दिखाया ये डल लेक है ये निषाद बाग है ये शालीमार गार्डन्स हैं ये नेहरू पार्क है ये चार चिनार हैं ठीक है तो वो उसको पूरी जो है सैर करवाती है फोर डेज पास विदाउट इंसिडेंट चार दिन जो है हाँ बिना किसी इंसिडेंट के कट गए ऑन द फिफ्थ डे पाँचवें दिन क्या हुआ अभी डिक्लेयर्ड आई विल रिटर्न टू ले आई मिस चिल्ड्रन अब जैसे कि अभी को अपने घर में ही रहने की आदत है उसको बाहर रहने की आदत नहीं है तो अभी ने बोल दिया पाँचवें दिन कि मुझे घर जाना है मैं अपने बाकी बच्चों को मिस कर रही हूँ आई मिस माई डॉटर जमीला माई ग्रांड डॉटर हलीमा एंड लिटल जावेद वो बोलती है कि मैं जमीला को मिस कर रही हूँ मैं अपनी पोती हलीमा और जावेद को मिस कर रही हूँ ठीक है She insisted on this way in such a manner that on the very evening we have to purchase return tickets to lay for ourselves and Abhile. इंसिस्ट करती हैं इतनी जिद करती हैं कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है मुझे हलीमा की याद आ रही मुझे जावेद की याद आ रही मुझे जमीला की याद आ रही है तो मुझे घर जाना ही जाना है ठीक है तो इतनी जो है बहुत ही ज़्यादा जिद करती हैं तो उसी शाम को उन्हें लेह के लिए टिकट्स करवानी पड़ती हैं अपने लिए भी और अभिले के लिए भी ठीक है सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट अभिले दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी अभिले सो so, Students do book reading in order to understand the chapter easily. Okay. Thank you, students.